तो नूपुर शर्मा हिंदू हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना। नूपुर शर्मा हिंदू हैं, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ नूपुर शर्मा से, कि 333 करोड़ खुदाओं का एग्जिस्टेंस फिर कैसे माना जाएगा? तो सुना आपने, पहले गलती और फिर माफी, पहले अपमान और फिर शर्मिंदगी। जी ये खादिम जनाब कौन है जो यूं 33 करोड़ देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और जब बवाल होता है तो माफी मांगे फिरते हैं। जानते हैं ये वीडियो किसका है? ये विवादित वीडियो है सैयद सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का। मैंने सॉरी इसलिए फील किया क्योंकि मेरी वीडियो से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहा है, मेरी वीडियो को आधा काट के चलाया जा रहा है। तो अगर किसी भी मेरे हिंदू भाई बहन को मेरे वर्ड से अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो आई एम रियली सॉरी। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बीच अब अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तूफान सा आ गया है। चलिए आपको अजमेर दरगाह के खादिम के बारे में बताते हैं। आखिर कौन है अजमेर दरगाह के खादिम? अजमेर दरगाह के खादिम दरअसल दुनिया भर में मशहूर अजमेर दरगाह शरीफ में खादिमों की संस्था है अंजुमन, जिसके सचिव सैयद सरवर चिश्ती हैं। इतना ही नहीं, सरवर चिश्ती के PFI कनेक्शन और पाकिस्तान से रिश्ते भी सामने आ रहे हैं। वैसे तो सरवर चिश्ती के वीडियो पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान सेना के अधिकारी और पाकिस्तान में कुछ और लोगों के साथ भी वायरल हो रहा है। एजेंसियों की नज़र इसलिए है कि 17 जून को अजमेर में सरवर चिश्ती के भतीजे गौहर चिश्ती ने सिर तन से जुदा का भड़काऊ भाषण दिया था। फिलहाल गौहर चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौहर पर ISI का एजेंट होने का भी शक है, इसलिए ATS, NIA के साथ खुफिया एजेंसियां अब PFI, दावत इस्लामिक, ISI और भड़काऊ बयानबाजी करने वाले खादिम और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है। इस एंगल पर जांच कर रही है कि कहीं नूपुर शर्मा के बयान के बाद इस आग को भड़काने के पीछे PFI का तो हाथ नहीं। 17 जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है और चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। यानी साफ है कि साजिश की आग को भड़काना और फिर विवाद को खुद कर देश को नफरत की आग में झोंकने वालों का अब हिसाब किताब हो रहा है।